आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ अभी डाउनलोड करें यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न उष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण है ए ऑप्शन डब्ल्यू बटर एच बराबर जे बी ऑप्शन एच बटर डब्ल्यू बराबर जे सी डब्लू गुड़ित एच बराबर जे डब्ल्यू डी ऑप्शन है डब्ल्यू टू एच बराबर जे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? पूछा जा रहा है कि यांत्रिक कार्य और जो उत्पन्न होगी दोस्तों तो इसके बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण क्या है तो देखिए दोस्तों ये जो होता है ना जूल का नियम से हमको पता चलेगा दोस्तों ठीक है तो जूल एक वैज्ञानिक है दोस्तों उन्होंने क्या बताया था दोस्तों कि जो यांत्रिक कार्य होता है न, दोस्तों यांत्रिक कार्य मतलब क्या है दोस्तों कोई भी जैसे बॉडी है है ना उस पर बल लग रहा है और बल हो बल लगने कारण उसमें विस्थापन हुआ तो उस पर कार्य हुआ है ना तो इसको यांत्रिक कार्य बोला जाता है तो जो यांत्रिक कार्य होता है दोस्तों इस यांत्रिक कार्य की का वजह से जो उष्मा उत्पन्न हो गए तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं दोस्तों ठीक है अगर मैं इसको सांकेतिक रूप में लिखू ठीक है यांत्रिक कार्य को अगर मैं W से दर्शाता हूं ठीक है तो W जो होता है ये क्या होता है दोस्तों उत्पन्न उषमा के समानुपाती होता है ये होता है जूल का नियम दोस्तों ठीक है तो यहां पर W बराबर इसको मैं अनुक्रमानुपाति है है ना या समानुपाति बोली इस चिन्ह को हटाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जब बराबर के चिन्ह लगाते हैं दोस्तों तो एक नीतांक लगाते हैं तो इसको यहाँ जे से दर्शा रहा हूं दोस्तों ठीक है तो ये जे क्या है दोस्तों जे को हम लोग बोलते हैं उषमा का यांत्रिक तुल्यांक ये एक नीतांक है दोस्तों इसको जूल भी बोलते हैं ठीक है तो देखिए जे बराबर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों बटा एच। तो देखिए ये हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न में देखिए इसी को पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आप देखिए यहाँ से देखिए हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा ठीक है थैंक यू से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जे वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर